के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है पता है आपको? किसी के दिल में रहना और किसी की यादों में रहना, ये सबसे दुनिया की सुरक्षित जगह है। और हर कर्म नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव 24। मैं हूं जिला विरोचित वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, सर्विस में जब भी कोई व्यक्ति आते हैं ना, तो उनका हस्तांतरण होना, सेवानिवृत्त होना एक आम प्रक्रिया है, लेकिन कुछ खट्टी मीठी यादें हर इंसान की जिंदगी में आती हैं। जी हाँ, नमस्कार फिर से आप लोगों को। आज डॉक्टर्स डे भी है, फिर से हमारे चैनल की तरफ से तमाम धरती के दूसरे भगवान तमाम डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। आज डॉक्टर्स डे है, लेकिन आज ऑफ द निरीक्षक ड्रग इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार शर्मा जी का आज तबादला हो रहा है। जिस तरह चेंबर ऑफ कॉमर्स आपका ड्रग एसोसिएशन जमुई और तमाम जो इनके चाहने वाले लोग हैं, आज इनको भावभीनी विदाई दे रहे हैं। हम सर के साथ जुड़कर जानना चाहेंगे कैसा लगा जमुई में आकर, झाझा में आकर, क्योंकि कई बार आपने हमारे चैनल पर इनका साक्षात्कार भी देखा होगा। कोरोना काल में इन्होंने जो काम किया वो एक अविस्मरणीय काल रहा है। हर एक की जिंदगी में अगर कोरोना काल में कुछ अच्छी यादें होंगी, कुछ बुरी यादें होंगी, तो जिंदगी भर वो यादें हमेशा लोगों को सताएंगी, लोगों को डराएंगी। इस कोरोना काल में भी सर ने बखूबी काम किया था, कई बार हमने कदम से कदम मिलाकर साथ देने का एक काम किया था। हमारे साथ DI जुड़ेंगे, मैं जानना चाहूँगा जमुई की जनता है, जमुई के लोगों का कितना प्यार मिला, क्या कुछ खट्टी यादें रहीं, कुछ क्या कुछ मीठी यादें रहीं, बने रहिए हमारे साथ। से अपने सभी केमिस्ट बंधुओं को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने यहाँ पे लगभग 4.5 वर्ष का समय बिताया और ये इतनी स्मूथली लगता है कि नदी की धार की तरह कब निकल गया। भावुक हो रहे हैं सर, दर्शकों को देख पा रहे हैं सर। यहाँ का यहाँ कैसा लगा सर, यहाँ के लोग कैसे लगे सर आपको, यहाँ एसोसिएशन के लोग कैसे लगे सर? एसोसिएशन तो हमारे केमिस्ट बंधुओं से ही बनता है सर, उनके बैकबोन तो सारे केमिस्ट होते हैं, तो उन्हीं में से ये चुने जाते हैं। केमिस्ट एसोसिएशन का संगठन भी, जब केमिस्ट सारे केमिस्ट ही यहाँ पे अच्छे हैं, उन लोगों का अपार स्नेह और सहयोग सम्मान हर चीज़ मुझे मिली। जी सर, जिस तरह सर कोरोना काल में सर बिना किसी भय का, जबकि पूरी दुनिया कोरोना से आप डर रही थी, वैसे में भी सर आप काम कर रहे थे सर, कुछ इसका कुछ अनुभव से थी। वो तो हमारी जवाबदेही थी ना जी, सरकार के हर सरकार का जो भी स्कीम था या फिर जो भी सरकार के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी थी आम जनता को, उन सभी का उन लोगों तक तो पहुंच सके। जैसे कि लोग दवा के लिए भटक रहे थे तो उनको दवा मिलने में दिक्कत ना हो, साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी थी तो कुछ हम लोगों ने प्रयास करके 2-3 लाइसेंसेस ऑक्सीजन का भी दिलवाने का काम किया कि ताकि उनके माध्यम से लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हो सके। तो जो हम लोग कर सकते थे अपने प्रयास से किया। सर सर आपको याद होगा सर, झाझा में ऑक्सीजन का लाइसेंस किन्हीं के पास नहीं था। अब मैं खुद कोरोना पॉजिटिव था सर, और मैंने आपसे आग्रह किया था सर झाझा में कि संजय मात्री को सर लाइसेंस देने का, सर आपने जिलाधिकारी के, हाँ वो सभी प्रशासन के तरफ से भी इस चीज़ का प्रयास किया गया था, उनके ही निर्देश और सहयोग से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन पाते थे और हम लोगों ने प्रयास किया कि लोगों को सारी सुविधाएं मुहैया हो सके। तो हमारे लाइसेंसिंग अथॉरिटीज ने भी हमारे इस सुझाव को और इस तरह के जो भी प्रयास हो रहे थे उन सबको पूरी तरह सहयोग किया। उस समय तत्कालीन सहायक औषधि नियंत्रक उदय कुमार जी, तो सभी के प्रयास से जो बन पड़ा था हम सब ने किया था। कुछ सर मीठी यादें सर बताया जाए प्लीज। बहुत सारी हैं, अब इतना प्रेम मिला है कि कितना क्यों याद किया जाए, ये शब्दों में अनकाउंटेबल है, इसलिए एक दो को कहेंगे तो बाकी के साथ जुड़ा हुआ होगा तो वो कहेंगे कि हमारी हमको भुला गए, ऐसा नहीं है। थैंक यू। जितने लोग हैं सभी बड़े प्यारे और अच्छे हैं। कहाँ स्थानांतरण हुआ, कहाँ जा रहे हैं सर? मैं जहाँ से जहानाबाद जा रहा हूँ। चलिए सर, बहुत अच्छा, जिस तरह यहाँ से प्यार मिला आपको वहाँ भी उसी तरह नाम करिए सर। बस बस बहुत धन्यवाद आप सभी की शुभकामनाओं के लिए। सच बताऊँ, रहने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है पता है आपको? किसी के दिल में रहना और किसी की यादों में रहना, ये सबसे दुनिया की सुरक्षित जगह है। और हर कर्मचारी, हर व्यक्ति विशेष दुनिया में आया है, हर व्यक्ति के शरीर में
एक आत्मा होती है, उसमें एक छोटा सा दिल होता है। कई बार मैंने बताने का प्रयास किया है, अब बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन अगर आपके दिल में किसी के प्रति प्यार नहीं है ना, तब बेकार अधिकारी है। जिस तरह से डीआई साहब के बारे में तमाम लोगों ने कहा, तमाम लोग भावुक हो गए, कहीं ना कहीं इस दिल में जो प्यार था, इस दिल में जो समर्पण था, कुछ एक लोगों को भगवान दिया करते हैं। कहा भी जाता है ना कि मोहब्बत वो नगमा है जिसे हर साज पर गाया नहीं जाता, मोहब्बत वो नगमा है जिसे हर साज पर गाया नहीं जाता, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महफूज होते हैं। कहने का मतलब कुछ लोगों के दिल में, सीने में भगवान ये दिल देता है जो तमाम लोगों का दिल का हाल जानते हैं और सबका प्यार पाते हैं। जिस तरह आज डीआई साहब को भावभीनी विदाई दे रहे हैं, हमारी टीम की भी तरफ से उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना। और जिस तरह आपको याद होगा झाझा में ऑक्सीजन की मारामारी हो रही थी, संजय मासी जो बस स्टैंड में वो रो रहे थे, वो भी कोविड पॉजिटिव थे, मैं भी कोविड पॉजिटिव था और एक भी लाइसेंस नहीं होल्डर था, कहीं ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत थी झाझा में। मैंने उस समय तत्कालीन यहाँ एडीएम मैडम थी प्रतिभा रानी, मैंने उससे आग्रह किया कि बोले वीरेंद्र जी मैं कोशिश करती हूँ, और 3 दिन में यही ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर और प्रतिभा रानी डीएम साहब के सहयोग से 3 दिन में ऑक्सीजन का लाइसेंस संजय माथुरी को मिला। कहीं ना कहीं कई लोगों की जान बचाने में ये हमारी जो पहल थी वो काम आई। देखिए हर अधिकारी को मैं कई बार कहने का प्रयास करता हूँ, जिंदगी एक बार मिली है ना, क्यों ना लोगों से प्यार करें, क्यों ना अच्छा करें, कुछ अच्छी यादें छोड़ के जाएं। बुरी यादें तो कभी भी कोई भी छोड़ सकता है, लेकिन अच्छी यादें छोड़ने लगी आदमी के पास एक अच्छा दिल होना चाहिए। संजय शर्मा के साथ जम्मू से वीरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट, जरूर देखिए। डी आई साहब कैसा लगते हैं, किस तरह के व्यक्ति थे? हम लोग को इतना सरल स्वभाव के थे कि हम लोग को कभी फील ही नहीं हुआ कि हम लोग के मिस हैं और साहब जो है डी आई। हम लोग इतने सरल स्वभाव से उनसे इतना हमने खुश हैं कि हम लोग बिजनेस किए, लेकिन कभी किसी तरह का फीलिंग्स भी नहीं हुआ कि किसी तरह का कोई हमने प्रॉब्लम। अभिभावक एक तरह से डील करते थे क्या? जी जी जी, एकदम अभिभावक के रूप में, इसलिए हम लोग को बहुत सदमा ही जा रहे हैं। हम लोग पूरा केमिस्ट। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार सक्सेना, सचिन जम्मू जिला केमिस्ट। हम लोग पूरा केमिस्ट परिवार इस जो जा रहे हैं सर, लग रहा है क्या कि सर अभी और रहते यहाँ, कैसे बीत गया पिछले 4.5 साल कि हम लोग को पता भी नहीं चला। और इतना सरल स्वभाव के थे और इतना मित्रवत ढंग से इन्होंने अपना कार्यकाल बिताया। लोग तो ऑफिस आते हैं तो लोग समझते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर, बस उनके डर से ही लोग ऑफिस तक आना नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग को सर ने एकदम मित्रवत ढंग से पेश आए और बढ़िया से काम किया। और आज तक यहाँ देखे कि सब जगह गए, पूरे जम्मू जिला में जितने प्रखंड हैं, कहीं किसी तरह का कोई वातावरण नहीं हुआ और बहुत अच्छा तरह से कार्य। कहने के दिल भारी हो रहा है, मन भारी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कैसा लग रहा है सर को आज विदा करने? ये अभिभावक के समान रहे और बहुत अच्छी सलाह, मैंने एक मित्रवत व्यवहार करके सभी को अच्छा सजेशन दिए और मिलजुल के कंधे से कंधे मिलाकर चले। उनके जाने से हम लोग को तकलीफ तो थोड़ा है, लेकिन एक पल है कि एक दिन सबको जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को बहुत तकलीफ है कि ये हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं, हम लोग नहीं करेंगे। पर सर मित्रतापूर्वक हम लोग के साथ रहे हैं और समय समय पर सरकार द्वारा निर्देशित जो भी आया है सब में सर हमेशा अच्छे तरह से समझा बुझा के काम करवाते रहे हैं। मैं प्रवीण कुमार, संगठन सचिव जम्मू केमिस्ट्री इन्वेस्टर। सर का पिछला 4.5 साल का कार्यकाल रहा, लेकिन 2 साल पहले से ही जब भी कोई र्यूमर चलता था कि सर का ट्रांसफर हो रहा है तो हर केमिस्ट भावुक हो जाता था, मुझसे प्रवीण जी सही बात है क्या। बोले नहीं ऐसा कोई बात नहीं। तो सर के लिए सबके दिल में इतना ज़्यादा श्रद्धा था, इतना ज़्यादा प्यार था कि लोग जो है इनके उनसे बिछड़ने के नाम से डरने लग गया था। तो ये बहुत अद्भुत चीज़ है, बहुत कम पदाधिकारी इस तरह की अपनी पहचान बना पाते हैं। सबको सही दिशा निर्देश देना, जहाँ गलती हो वहाँ बताना, उसको ठीक करवाना, बहुत कम ऐसे माने पदाधिकारी होते हैं। और हम लोग बहुत धन्य हैं कि इनका 4.5 साल का साथ हम लोग को मिला। बहुत ही भावुक क्षण है, बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाए। देखिए वीरेंद्र जी, आपके माध्यम से आप आए, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का सहयोग मिला। और सर को जो विदाई हम लोग दिए, ये तो एकदम भावभीनी विदाई है, हम लोग खुद भावुक हैं क्योंकि सर का एक लंबा कार्यकाल हम लोगों के बीच में बीता है और सर का इतना अच्छा सहयोग रहा
हम लोगों के व्यवसाय को चलवाने में आप किसी भी तरह का गतिरोध उत्पन्न हुआ सर उसको मैंने सुगमता पूर्वक निकाले। कोरोना काल में भी सर लोग सर का बहुत सहयोग रहा, हम लोग से कदम मिला के हम लोग भी बहुत तरह का जो कार्यक्रम हो रहा था जो जिलाधिकारी महोदय के स्तर से आदेश मिलता था उसका अनुपालन करने में सर का काफ़ी सहयोग रहता था। और आज तो सर हम लोगों के बीच से विदा होके जा रहे हैं, सर याद रहेंगे सब दिन। सर का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, धन्यवाद वीरेंद्र जी। दर्शकों आपको पता है ना, आदमी की यादें हमेशा लोगों को सताती, आदमी की यादें रह जाती चाहे वो नौकरी हो चाहे वो दुनिया। कोई भी आदमी जब अपना पद छोड़कर कहीं अन्य जगह स्थानांतरित होते हैं तो उनकी यादें, अच्छी यादें या बुरी यादें, कौन सी यादें आप छोड़ना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है। और औषधि निरीक्षक को भावभीनी विदाई तमाम लोग दे रहे हैं, तमाम लोग कहीं ना कहीं हम लोगों से जुड़ना चाहेंगे, कैसा स्वभाव था इनका, कृष्णा स्तर का हम जानना चाहेंगे, नाम के अनुकूल इनका काम था जो मैंने भी देखा है, देखेंगे कुछ लोगों से जानना चाहेंगे।